हमने अपडेट का काम पिछले सेशन में किया था और अब मैं खोज लेता हूँ फिर से वही, और फिर शुरू करते हैं वही। कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं? खुल जा भाई, लिसनर, एड स्टूडेंट लिसनर चाहिए मुझे। और फिर टाइम ले रहा है खुलने में, एड स्टूडेंट फॉर्म से ही मैं लिसनर में आता हूँ और आऊँगा नीचे। तो यहीं पे मैं काम कर रहा था अपना। तो यदि टेक्स्ट बॉक्स में डेटा ऐड करना है तो इसी तरह से ऐड होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक वाली बात नहीं है। नेम के जगह पे एप फादर नेम है कि नहीं पता नहीं, वेरिएबल किस नाम से बना है, एक मिनट रुकना मैं खोज लेता हूँ वेरिएबल। तो इन सारे नाम से बने हुए हैं वेरिएबल, तो मैं यहीं से देख करके पूरा लिखूंगा। यहाँ पे कर दिया मैं एफ नेम और यहाँ पे मैं कर दूंगा फादर नेम हो गया। अब फादर के बाद मैं मदर नेम करूंगा, एफ के यहाँ पे एम कर देंगे और यहाँ पे एम ओ मदर नेम हो गया। क्या मजाक है ये, मैं वक्त पे बैटरी डाउन का स्टेटस दे दिया, मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा समय दो, अब मैं चार्ज में लगा लेता हूँ। चलिए, हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ हो रहा है। तो हम यहाँ पे फिर से मदर नेम के बाद इसको मैं 8-10 बार ना कॉपी पेस्ट कर ही देता हूँ ऐसे। मोबाइल नंबर 1 हो गया, फिर यहाँ पे मोबाइल 2 हो गया, फिर यहाँ पे ईमेल हो गया, और यहाँ पे भी मैं आऊँगा, इसको ऐसे करूँगा मोबाइल 1, यहाँ मोबाइल 2, ईमेल हो गया। अब फिर इसको 8-10 बार ना मैं पेस्ट कर ही देता हूँ ऐसे। कौन चिड़िया है रात में टर टर कर रहा है? ईमेल के बाद एड्रेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट। ये लो बाबू, और यहाँ पे एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट, गेट कर लिए। तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का सारा काम खत्म। ट्राई करके देख लें, देख लेते हैं कौन सी बड़ी बात है इसमें। चल भाई जल्दी, ये क्या मजाक हो रहा है? इसी मजाक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें रन इसको करना था और हमने रन किसी और को किया। कोई बात नहीं, होता रहता है। इस पे आऊंगा, राइट क्लिक, अपडेट, और सारा डेटा फिल हो चुका हूँ। मोबाइल नंबर भी नहीं आ रहा है क्योंकि डेटाबेस में नहीं होगा भाई। यहाँ सब एक नंबर है, चंगा सी, सब एक नंबर है। चलिए अब हमें क्या करना है, कैटेगरी को सेट करना है। तो कोर्स सेशन की तो हमें रखा नहीं ना, कैटेगरी कैसे सेट होगा? तो देखो आप लोग, डॉट कैटेगरी डॉट सेट सिलेक्शन आइटम, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डॉट गेट कैटेगरी। अब गेट कैटेगरी, एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो एक कैटेगरी सेट हो जाएगा। मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ। तो ये सेट हो जाएगा क्योंकि एज ए स्ट्रिंग लिया है हमने, तो स्ट्रिंग फॉर्म में लेने के कारण जो है वो हो जाएगा सेट। ये देखो हो गया। समस्या अब आएगा कोर्स में,
कैसे मैं बताता हूँ आपको, कोर्स में जो भी दिख रहा है ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो वो जो है कोर्स बीन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब कोर्स बीन क्लास का यदि ऑब्जेक्ट है तो इसको कैसे सेट किया जाए, तो मैं आपको पहले डाओ पे जाता हूँ और स्टूडेंट डाओ पे आता हूँ मैं, और फिर लाता हूँ नीचे, आपको याद दिलाऊँ एक चीज़ में, किधर 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 गया, किधर गया, ये तो सेव का कोड है, पूरा ग्रैब कर लिया, सॉरी पूरा ले लिया, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोर्स मांगा था सेट करने के लिए, लेकिन हमने कोर्स नहीं लिया था, हमने सिर्फ कोर्स का आईडी लिया था, तो हमने पास तो इसमें कोर्स का ऑब्जेक्ट ही किया है, लेकिन सिर्फ कोर्स आईडी ही वैलिड है, बाकी सब ऐसे ही हमने पास कर दिया है। बहुत अच्छा होता कि हम यहाँ से वैलिड कोर्स जो है गेट करते, कोर्स डाओ को कॉल करते और यहाँ से गेट करते कोर्स, और यहाँ पे हम कोर्स ऐड करते, लेकिन हमने नहीं किया, क्यों? मज़ा नहीं आ रहा था कोड बार बार बहुत ज़्यादा लिखने में। तो लास्ट में मैं दिखा दूंगा कि कोर्स को गेट करके कैसे सेट किया जाता है, लेकिन अभी हमने सिर्फ कोर्स का आईडी लिया है, तो सिर्फ कोर्स के आईडी के बिहाफ से कैसे, के बिहाफ पे कैसे जो है सिलेक्शन किया जाएगा वहाँ पे, वो मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। नो डाउट थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन काम तो हो कर रहेगा। चलिए डॉट सी ओ यू कोर्स, हमने कोर्स किया, अब मैं क्या करूँगा, फॉर इस तरह से इंट आई इक्वल 0 कॉमा आई ग्रेटर लेस देन कोर्स, कोर्स डॉट गेट आइटम, गेट आइटम काउंट होता है, एलो काउंट, टोटल आइटम को ये काउंट करता है कि टोटल कितना आइटम है, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। अब मैं इसके अंदर आऊँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओ यू कोर्स बीन इक्वल टू सी ओ यू आर सी कोर्स, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट गेट आइटम्स, कोर्स हो गया, हाँ कोर्स हो गया, कोर्स डॉट गेट आइटम्स। अब गेट आइटम्स में यहाँ पे इंडेक्स मांग रहे हैं, तो इंडेक्स के बेसिस पे आइटम देता है, तो मैं यहाँ पे आई पास करता हूँ। अब मैं चेक करूँगा इफ, इफ सी ओ यू आर एस सी कोर्स डॉट गेट आईडी डबल इक्वल टू, आईडी किसके बराबर है, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर डॉट गेट कोर्स, तो ये कोर्स का ऑब्जेक्ट देगा, इसके अंदर गेट आईडी हम कॉल करेंगे तो आईडी आएगा। अगर दोनों बराबर है तो क्या करना है हमें, फिर इसी को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऐसे, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट सेट सेलेक्टेड इंडेक्स, और इंडेक्स में किसको सेलेक्ट करना है, आई को, और फिर यहाँ पे आईडी हमारा यूनिक होगा, मतलब एक बार अगर मैच हो गया तो दोबारा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी आर ई एक ब्रेक कीवर्ड लगाइए, इसको कहा जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। जरूरत से चाहे कुछ ज्यादा काहे कोड चलाएंगे यार, इंसान हो या कंप्यूटर, जरूरत से ज्यादा नहीं मेहनत कराने का, ठीक है, तो इसीलिए हम इससे सीपीयू को ज्यादा लोड नहीं देंगे, हमारा मैच हो गया, बस लूप को रोक दो यहाँ पे। अब लो हमने इसको टाइपकास्ट कर दिया ना, ये रिटर्न करेगा हमें, ये मेथड रिटर्न करने वाला था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट कर दिया हमने कोर्स बीन टाइप में और कोर्स में स्टोर कर लिया। अब मैं रन करता हूँ एक बार, आप देखना कि ये सिलेक्ट हो जाएगा, रन किया, अपडेट स्टूडेंट बी सी, ये देखो सिलेक्टेड है। अब एक ही है तो इसीलिए एक ही दिख रहा है आपको, लेकिन आप मल्टीपल कोर्सेस ऐड करके आप ट्राई करना, काम करेगा, यकीन हो रहा है नहीं हो रहा है, करके दिखा दो, हो जाएगा, कर लो यकीन। अब एक चीज़ और देखना, ये वाला जो लाइन है ना, इसको ख़त्म करके मैं यहीं पे लिख सकता था, लेकिन आप लोग को समझने में ना थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स हो जाता। और नहीं तो हम इसको लिख सकते थे। लिख के दिखा दूं कैसे? मैं दिखा देता हूं कैसे। देखो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स होगा, पर समझने का कोशिश करना आप। यहाँ पे ऐसे पास कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस काम खत्म। इस लाइन को कर दो कमेंट आउट और फिर से प्रोग्राम को कर दो रन इस तरह से। तो एक लाइन में सारे कोड हमारे हो गए हैं, लेकिन आपको थोड़े से टफ लगेगा समझने में। ये देखो कर रहे हैं ना काम, तो एक समझने में आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इसीलिए मैं जेड कर देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं उस तरह से नहीं लिखता। आपको समझ में आता है तो आप पुराना तरीका इस्तेमाल करिए, जो मैंने अभी किया था, लेकिन मैंने कंट्रोल जेड करके सही कर दिया। तो हमने कैटेगरी को सेट कर लिया। चलिए जी अब हमें क्या सेट करना है, मेल फीमेल। तो इफ मैं आता हूँ डेटाबेस में, चेक कर लेता हूँ कि मैंने स्टोर क्या किया है पहले डेटाबेस में। जल्दी खोलना, इतना समय किसके पास है। स्टूडेंट इस, ये देखो मेल फीमेल ही हमने स्टोर किया है। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट गेट जेंडर डॉट इक्वल, अगर इसमें क्या है, मेल है, राइट, मेल है, तो क्या कर दो, एड स्टूडेंट डॉट mal, मेल डॉट सेट सिलेक्शन इक्वल टू ट्रू कर दो यहाँ पे। एल्स के केस में इसी को जस्ट कर दो उल्टा, यहाँ पे कर दो फीमेल, जरूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस की यहाँ पे, इसको आप गायब कर सकते हो ऐसे इस तरह से। फिर से मैं प्रोग्राम रन करके दिखा दूँ, दिखा दे रहा हूँ, डाउट न रहे। ये देखो यहाँ पे अब मेले हैं दोनों, ये देखो मेल में चिपड है, तो ये काम करने लगा। मेल यदि है तो ठीक है, मेल को चेक करो, अन्यथा फीमेल को चेक कर दो, यही जीवन का सत्य है। फिर अब क्या करना है हमें, हमने सेलेक्ट कर दिया, कोर्स को भी सेलेक्ट कर दिया, डेट ऑफ बर्थ बाकी रह रहा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें क्या करना है, कुछ बहुत ज़्यादा झंडा नहीं गाड़ना है हमें। डॉट डेट ऑफ एडमिशन डॉट सेट डेट कर देंगे, और इसमें हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट डॉट गेट डेट ऑफ एडमिशन पास कर देंगे जी। और इधर पे आ जाएंगे, डी ओ बी यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे बी लिख देते हैं, काम खत्म। फिर से रन करूँगा मैं और आप देखना सिलेक्टेड होता है या नहीं। तो ये देखो ये दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब फोटो दिखाना है हमें। आप सोच रहे होंगे यहाँ मैं नहीं, इसको रहने देता हूँ, इसको मैं नहीं करूँगा, इसको यहाँ पे नहीं करूँगा, इसका हम दूसरा टेक्निक देखेंगे। इस यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोई कोड करूँगा तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए मैं यहाँ ना करके कुछ और करूँगा। इसके लिए हमें यहाँ फोटो दिखाना चाहिए, तो दिखा देता हूँ और क्या। यहाँ फोटो दिखाने के लिए हमें कुछ खास काम नहीं करना है, मैं आइकन्स में जाता हूँ, कोड यहीं पे लिखूंगा तो आपको थोड़ा भारी लगेगा, इसलिए मैं जाऊँगा आइकन्स के अंदर और यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी और सॉरी मैं कंट्रोल जेड कर दिया, ये लेबल वाले को करूँगा कॉपी इस तरह से। अरे जो फाइल ये नेम यहाँ पे है, यहाँ पे मैं करूँगा इमेज डेटा डेटा, यहाँ पे बाइट एरे आएगा, PYT बाइट एरे इस तरह से, और मैं यहाँ पे फाइल के जगह पे कर दूंगा बाइट एरे, और यहाँ पे लेबल ये ठीक। बस हम यही करेंगे अब,
ये मेथड में कॉल करूंगा और ये बार ये सब सेम होगा का। हमें यही कोड अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे यदि लिख लूंगा तो आपको बहुत भारी भरकम लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, बाइट टाइप का एरे बनाऊंगा और यहाँ पे फोटो लिख दूंगा और इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट फोटो डॉट गेट फोटो ये इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे डॉट रीड ऑल बाइट्स मेथड में कॉल कर दूंगा तो ये सारा बाइट रिटर्न करेगा। अब हम क्या काम करेंगे, आइकन को कॉल कर देंगे, आइकन वाला यूटिलिटी डॉट सेट इमेज। हमको कौन चाहिए, ये देखिए बाइट एरे मांग रहा है तो बाइट एरे दे देंगे, और यहाँ पे लेबल मांग रहा है तो लेबल दे देंगे। बाइट एरे में फोटो पास कर दिया मैंने और ये इमेज डेटा मांग रहा है तो एड स्टूडेंट डॉट पी एच फोटो, ये लेबल पास कर दिया, बस काम खत्म। अबे रोने लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा, तो इसको ट्राई कैच के अंदर डाल दूंगा। ये देखो अबे रोने लगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करूंगा, पास कर दूंगा इसको यहाँ, ये बाहर चला गया, इक्वल टू इसको मैं नल असाइन कर देता हूँ पहले, इस तरह से काम खत्म हो गया हमारा काम। ये देखो रन कर दूंगा प्रोग्राम, फाइनल रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखो मैंने ये फोटो बाद में अपलोड कर दिया था, तो ये देखो सारा डेटा हमारे पास लोड हो रहा है। अब हमें बस इतना करना है कि सेव बटन पे, सेव बटन इसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा, कर देंगे नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं कर दूंगा कैंसल। चलिए तो हमारा लगभग काम सारा खत्म हो चुका है, लीजिए काम हमारा टोटल खत्म। अब हम क्या करते हैं, अगले रिकॉर्डिंग में टाइम देख लेता हूँ मैं, 17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि जैसे ही सेव पे क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड को मैंने एडिट करके सेव करा तो अपडेट हो जाना चाहिए डेटाबेस में, और इन सबको कैसे अपडेट किया जाएगा। अब यहाँ पे ही मैं कुछ बटन बटन लेबल बनाऊँ तो कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, तो मैं यहाँ पे नहीं, इसके लिए कुछ और मैं जुगाड़ करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।